Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रहन. आज की वीडियो भाई एकदम धमाकेदार होने वाली है क्योंकि मैंने खरीदा है एक रियलिस्टिक सा दिखने वाला रिमोट कंट्रोल से चलने वाला चमीलोन. आपको पता होगा इस मेरे पास एक और चमीलोन भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ. मिलता है इसका रिमोट. तो एक और चमीलोन भी मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो यार, ये है एक रोबोटिक चमीलोन. दोस्तों आज अपन कराने वाले है इस चमीलोन की फाइट अपने रोबोटिक चमीलोन के साथ. चलो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. ओके तो गाइस, अपना ये जो चमेलियन है काफी ज्यादा कलरफुल देखने को मिल जाता है यार. यहाँ पे देख सकते हो यार, मैं आपको एक चीज पूछने वाला हूँ, चमेलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना. ओके तो दोस्तों बॉक्स को जो है अपन यहाँ से फटाफट से ओपन कर लेते हैं. अगर आप इस चमेलियन को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा. बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक मिल जाएगा. इसको मैंने अमेजोन से खरीदा था और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है. तो अपना जो चमेलियन है यार बॉक्स के बाहर आ चुका है. ओह माय गॉड यार, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा रबर का बना हुआ है, पर रबर का है नहीं, पूरी तरीके से भाई प्लास्टिक है. पूरी तरीके से ये देख सकते हो हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है इसको बनाने के लिए. बहुत ज्यादा टफ लग रहा है भाई देखने में. तो फिलहाल इसको रखते हैं. ओके तो यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोल. देखो यार क्या अजीब सा रिमोट कंट्रोल इन लोगों ने बना रखा है. तो फटाफट से इस रिमोट कंट्रोल को मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ. ये है देखो यार रिमोट कंट्रोलर. इसके अंदर ये जो चीजें देख रहे हो ना, ये सारे के सारे जो है बटन्स दिए हुए. इस बटन से इसको हम पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं. तो इसको रख देते हैं यार साइड में. यहाँ पे एक और चीज अपने को मिल जाती है. क्या मस्त पैक किया यार इन लोगों ने. देख सकते हो यहाँ पर है इसके कुछ बग्स. तो ये जो है हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, यहाँ पर भी एक कॉकरोच है, स्पाइडर है और एक बटरफ्लाई का जैसा कैटरपिलर भी यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है. ओके तो गाइस दोनों चमेलियन को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है. इस चमेलियन के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसने तो किंग कोबरा को भी हरा दिया था यार आमने सामने वाली फाइट के अंदर. कीड़े वगैरह खा जाता है यार उसको, अपन यहाँ से कलेक्ट कर बाहर की तरफ निकाल सकते हैं. यहाँ पर दो व्हील्स अपने को देखने को मिल जाते हैं पूरी तरीके से रबर के व्हील्स है. पीछे एक डायरेक्शन व्हील भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है. अंदर अपने को चार डबल सेल्स डालनी पड़ती है. चलो दोस्तों चलते हैं बाहर फटाफट से भाई, कराएंगे इन दोनों की फाइट. देखते हैं आज रोबोटिक चमेलियन जीतेगा या फिर रियलिस्टिक चमेलियन जीतेगा. चलो दोस्तों लेट्स स्टार्ट. अभी भाई कराते हैं इनकी फाइट. यहाँ पे देखो रोबो चमेलियन है अपना, रियल चमेलियन है. अभी साथ में मैंने अपनी लिजर्ड भी ले रखी है भाई. यहाँ पे गजब की फाइट होने वाली है आज. इसको मैं आपको चला के बता देता हूँ. इसकी जबान देखो यार कितनी ज्यादा लंबी है. ओह माय गॉड, किसी को लग जाए तो बहुत ही खतरनाक वाली चोट भी लग सकती है. फटाफट से चलो इसको मैं नीचे भी आपको चला के दिखा देता हूँ. काफी अच्छी तरीके से नीचे चल रहा है. टर्न करने का इसका स्टाइल देखो यार क्या ही जबरदस्त है. एकदम फास्ट से टर्न हो जाता है. देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक है और चलने में भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है. देखो यार 360 डिग्री भी ये घूम सकता है. रिमोट भी इसका बहुत ज्यादा मस्त है. रेंज पर इसके अंदर अपने को ज्यादा देखने को नहीं मिलती है क्योंकि इसके साथ अपने को मिलता है आईआर सेंसर वाला रिमोट. अभी एक बार अपनी लिजर्ड को भी चला के मैं आपको दिखा देता हूँ. लिजर्ड भी देखो यार काफी अच्छी तरीके से जमीन पर चल जाती है और इसको चलाना भी बहुत ज्यादा ईजी है. इसका स्टाइल भाई कुछ अलग ही है. देख सकते हो ये एकदम से डराने लगती है भाई. बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ये लिजर्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. एक बार यहाँ पर फटाफट से रोबो चमेलियन को भी मैं आपको चला के बता देता हूँ. ये भी जो चमेलियन है मस्त तरीके से चल जाता है, पर इसको टर्न करने में देखो यार बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है. अभी ये जो बग्स अपने को मिले हैं अपने रियल चमेलियन के साथ, ये सारे के सारे निकाल लेते हैं. अभी भाई इसको खिला के देखते हैं कितने फटाफट तरीके से खा सकता है. जबान जो है इतनी ज्यादा लंबी है भाई, मैं इसके हाथ देखो इतनी दूर रखा हूँ, ये कितने फटाफट तरीके से खाया जा रहा है. यहाँ पे देख सकते हो. अभी देखो यार मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखाता हूँ क्या मस्त तरीके से खाता है. ये देखो इसकी जबान आ चुकी है बार. ये पहले टेस्ट करता है यार चीज कौन सी है, उसके बाद एकदम लपक के खा जाता है. तो ये सारी की सारी चीजें देखो अपन यहां से निकाल भी सकते हैं भाई. एकदम आसान तरीका दिया हुआ है. फटाफट से मैंने सारी चीजें निकाल ली है. दोनों चमेलियन को मैंने साइड बाय साइड रख दिया. यहाँ पे दोनों चमेलियन के बीच में अपन स्पीड टेस्ट कराने वाले हैं. देखते हैं भाई कौन सा चमेलियन यहाँ पे रखी हुई चीज है फटाफट तरीके से खा सकता है. रोबो चमेलियन की स्पीड देखो यार, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल हैरान हो चुका हूँ. इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है भाई, मैं क्या ही बताऊं. ग्रीन वाला चमेलियन यार यहाँ पे इसके अंदर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है. देख सकते हो इसकी जो जबान है ना यार थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है. यार अपन एक काम करते हैं, इसकी जबान को थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस कर देते हैं. अभी देखो यार जैसे ही प्रेस किया मैंने, ये फटाक से खा चुका है. तो भाई ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर मेरे को लग रही
रही है, अभी देखते हैं यार ये खा पाता है नहीं। ओके तो अभी इसकी जबान जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है, अभी ये फटाफट तरीके से खा रहा है। तो भी यहाँ पे स्पीड के मामले में अपना रोबो चमेलियन काफी ज्यादा सही यार, एकदम फटाफट तरीके से सारी की सारी चीजें अपने अंदर फटाफट खा लेता है। यहाँ पे दोनों के बीच में रियलिस्टिक टेस्ट करके देख लेते हैं। अपने ग्रीन वाले चमेलियन को देखो यार, मैंने झाड़ के ऊपर बैठा दिया है, देख सकते हो यार क्या ही भयंकर दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से रियलिस्टिक है यार। इसको यूज करके अपन किसी के भी साथ काफी भयंकर वाला प्रैंक कर सकते हैं, एकदम रियलिस्टिक चीज है भाई साहब, पूरी तरीके से मिल चुका है। रोबो चमेलियन को भी मैंने झाड़ के ऊपर रख दिया, ये उतना ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसके कलर के वजह से। और एक चीज, इसका जो फेस है ना यार बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ये देखने में बहुत ही ज्यादा मासूम दिखाई देता है। तो अपना ग्रीन वाला चमेलियन भाई बेस्ट है रियलिस्टिक दिखने के मामले में। सबसे पहले ग्रीन चमेलियन वर्सेस लिजर्ड की रेस करा के देखते हैं भाई कौन स्पीड से चल सकता है। यहाँ पे दोनों की स्पीड मेरे को बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, दोनों एकदम आजू बाजू चल रहे हैं, दोनों के बीच में उतना ज्यादा डिफरेंस मेरे को लग नहीं रहा है। पर अभी देखो यार अपना ग्रीन वाला चमेलियन जो है अपनी स्पीड बढ़ा चुका है, तो यहाँ पे रेस के मामले में लिजर्ड से जीत चुका है अपना ग्रीन चमेलियन। अभी कराते हैं इन दोनों चमेलियन के बीच में रेस, देखते हैं कौन जीत पाता है इस रेस को। रेस स्टार्ट हो चुकी है, अपना रोबो चमेलियन जो है बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा दी गई है। अपना ग्रीन वाला चमेलियन देखो यार अपनी पूंछ हिलाते हुए चल रहा है, इस वजह से मेरे को लगता है इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी है। यहाँ पे क्लियरली जीत चुका है अपना रोबो चमेलियन। ओके तो दोस्तों यहाँ पे अभी अपन दोनों चमेलियन के बीच में पावर टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं भाई कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल चमेलियन। दोनों के बीच में रस्सी मैंने बांध दी है, रोबो चमेलियन बहुत ज्यादा मेरे को पावरफुल लग रहा है भाई, काफी खतरनाक तरीके से ग्रीन चमेलियन को एक घसीट के लेके जा रहा था, अभी ग्रीन चमेलियन को आ चुका है गुस्सा। ये शायद भाई बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, देखो और अपनी पूंछ को हिलाते हुए ये रोबो चमेलियन को काफी खतरनाक तरीके से खींच के लेके जा रहा है। तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर में जीत चुका है अपना ग्रीन चमेलियन, बहुत ज्यादा पावरफुल है दोस्तों ये। यहाँ पे कराने वाले तीनों के बीच में लाइट टेस्ट, फटाफट से यहाँ पे बत्ती बुझा देते हैं। लिजर्ड देखो यार क्या भयंकर तरीके से डरा रही है ग्रीन चमेलियन के ऊपर भाई, रंग बिरंगी एलईडी दी गई है, ये अपना कलर वगैरह भी चेंज कर सकता है, देख सकते हो ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। वहीं दूसरी तरफ अपना जो रोबो चमेलियन है यार, इसकी लाइट मेरे को बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही है, इसके अंदर पिंक वाला कलर भी दिया हुआ है, ये क्या ही जबरदस्त तरीके से कलर्स वगैरह चेंज कर सकता है। यहाँ पर तीनों के बीच में टाई हो चुका है क्योंकि भाई तीनों के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग दी गई है, तो ओवरऑल तीनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है दोस्तों लाइटिंग के मामले में। ओके तो गाइस अभी यहाँ पे एकदम भयंकर वाला टेस्ट कराने वाला हूँ मैं रोबो चमेलियन के पीछे, मैंने इतनी बड़ी वाली ट्रक बांध दी है, देखते हैं रोबो चमेलियन इतनी बड़ी ट्रक को खींच पाता है या नहीं। चलो दोस्तों स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, रोबो चमेलियन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से खींच रहा है, देखते हैं भाई कितनी दूर तक ये खींच के लेके जा सकता है इस ट्रक को। अभी देखो यार पता नहीं इसके अंदर क्या आ चुका है, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं सीधा भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो रोबो चमेलियन इतने बड़े ट्रक को भी खींच के लेके जा सकता है। सेम टेस्ट करेंगे अपने ग्रीन चमेलियन के साथ, देखते हैं भाई ये भी ट्रक को खींच पाता है या नहीं। ओ माय गॉड, ये रोबो चमेलियन से भी काफी परफेक्ट तरीके से ट्रक को खींच के लेके जा रहा है, एकदम भाई देखो सीध में लेके जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई पावर के मामले में और वेट खींचने के मामले में अपना ग्रीन चमेलियन जीत चुका है रोबो चमेलियन के मुकाबले में। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपको ग्रीन चमेलियन पसंद है या फिर रोबो चमेलियन पसंद है या फिर लिजर्ड पसंद है, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी का भी। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट, सबसे पहला नाम आ जाता है रमेश, दुर्गेश, मन्नत, हरबर सिंह, अनूप, शांतनु, वैशाली हापत, भगीरथ, धनुष, राजेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।